मध्य प्रदेश में इस साल भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान मुआवजे की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकारी मुआवजे पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सिंधिया ने एमपी में बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र करते हुए पीएम से आर्थिक सहायता राशि की मांग की है। सिंधिया ने कहा है कि बाढ़ और अतिवृष्टि से 596 लोगों की मौत हुई है और करीब 14 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। मेरे द्वारा बाढ़ एवं अति भारी वर्षा से प्रभावित 10 जिलों का दौरा किया गया है। भारी बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें कई जगहों पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। जनधन की भारी हानि हुई है और काफी संख्या में पशुओं की मृत्यु हुई है। पत्र के अंत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है कि मुझे सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि इस राहत राशि को केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अब देखना यह है कि सिंधिया के इस खत का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।